बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शेराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आज का प्रोग्राम जाहिर है कि कोरोना की अपडेट्स के साथ, जो कि इस वक्त खतरनाक हद तक उसमें इजाफा भी हो गया है केसेस में और मुतासरीन में। कुल कोरोना के केसेस इस वक्त 76,398 हो चुके हैं, जो कि एनसीओसी के आदादोशुमार हैं। 1,621 अमवात अब तक हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने खबर आप देख ही रहे होंगे और चली भी है कि सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच साहब, जो कि कच्ची आबादियों के वजीर थे, उनका भी सिंध में इंतकाल हुआ है कराची में। बड़ी अफसोसनाक सूरतेहाल है। कल 24 घंटों के अंदर तकरीबन 4,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के। तो एक तरफ कोरोना की सिचुएशन बेकाबू है और सूरतेहाल दिगर गू है, दूसरी तरफ सियासी सूरतेहाल और खास करके पंजाब जहां गर्मी का जोर भी है, वहां पे आज सियासी गर्मी भी अपने उरूज पे रही है। और अब भी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मतलूब है नैब को आमदन से जायद असासों के हवाले से जो केस बनाया गया है या बनाया है उनके ऊपर, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आज उनको तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने माजरत की कि चूंकि कोरोना के सूरत हाल अच्छी नहीं है और उनकी जो उम्र है वो 69 बरस की है और इसके साथ साथ वो कैंसर के पेशेंट भी रहे हैं, लिहाजा वो मुनासिब नहीं समझते कि वो नैब के सामने हाजिर हों। नैब ने उनसे ये कहा कि नहीं, उनका आना जरूरी है। नैब पहुंची उनके घर पे जहां पे वो उनको दस्तियाब नहीं हुए, उसके बाद जाती उम्रा और आखिरी इतला तक जाती उम्रा से भी नैब जो है वो खाली हाथ लौट रही है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हाथ नहीं आए। कल इनका मामला जो है वो काबिले समाअत है, यानी कि समाअत के लिए कल अदालत में वो गए हैं कि उनको कबल गिरफ्तारी जमानत जो मिल सके। क्या होगा इसके ऊपर जाहिर है कि हमें देखना होगा। पल पल की खबर आप तक पहुंच ही रही है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल में उनको गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत जो है वो 19 नवंबर को, 14 फरवरी 2019 को हुई थी। 19 नवंबर 2019 को अपने भाई के साथ लंदन तशरीफ ले गए थे, जबकि 22 मार्च को शहबाज शरीफ साहब जो लंदन से आने वाली आखिरी प्रवास थी उसके वो उस पे पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था कि वो कोरोना के लिए पाकिस्तानियों के साथ काम करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों के लिए काम करना चाहते हैं। बहरहाल अब क्या सूरत हाल है, उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अगर गिरफ्तार होते हैं तो पीएमएलएन की सियासत क्या होगी, पाकिस्तान की सियासत क्या होगी, उनकी पार्टी की सियासत क्या होगी, ये तमाम मौजूदात है जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा दूं कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि ईद के बाद जो है वो झाड़ू फिरेगा और नैप टार्जन बन जाएगी। क्या कहा था शेख रशीद साहब ने वो जरा सुन लीजिए। 31 जुलाई तक बहुत सारी तहकीकातें होंगी, 31 जुलाई तक झाड़ू फिरेगा और 31 जुलाई तक थोड़ा सा मार्जिन भी दे दें, क्योंकि जून का महीना, मैं कोई मंत्री नहीं हूं या कोई प्रॉमिस नहीं हूं। 31 जुलाई मैंने कहा 15 दिन का मुझे मार्जिन दे के रखें। और शहबाज शरीफ बड़े टार्जन बने हुए हैं, को पता है कि वो जा रहा है ईसीएल में, ब्लैक लिस्ट में उसका नाम आ चुका है, वॉस्ट लिस्ट में उसका नाम आ चुका है, अब अगला मरला ईसीएल में, वो किसी लम्हे उसका नंबर आ जाए। अब इसका जवाब हमारे ही प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब ने दिया था और उन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए वो ना तो वापस जाएंगे और ना ही वो गिरफ्तारी से डरते हैं। क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब ने, जरा वो भी सुन लीजिए। ये डरावे के जनाब ईद के बाद कुर्बानी होगी, जेल जाएंगे, किसको डराते हो, किसको डराते हो? वहां पर अटक के किलो में हम वहां पर सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, वहां पर लांडी जेल में हमने वहां पर सोपते बर्दाश्त की हैं, मैं अकूबत खाने में रहा हूं, ये किसको डराते हैं? इंशाल्लाह अगर अगर ये आप चाहते हैं कि मुझे जेल में डालें, मैं जाऊंगा और डट कर इनका मुकाबला करूंगा। ये क्या बात करते हैं? सो अब डट के मुकाबला करेंगे शहबाज शरीफ साहब या नहीं, और क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है इस वक्त की सूरत हाल में कि जहाँ कोरोना की और मईशत की सूरत हाल बहुत खराब है, उसमें वो एक और अब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं उनको गिरफ्तार करें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वजीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, और इनके स्टेटमेंट्स आप पढ़ ही रहे हैं जो कि मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर के मामले के ऊपर थे। आज काबीना में काफी देर बात भी हुई है तो फवाद साहब से बात करेंगे। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान है जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेटर भी हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं, पहले फवाद चौधरी साहब के पास जाते हैं। फवाद साहब, बिलाखिर नैब ताजम बन गया या अभी तक नहीं बन पाया क्योंकि शहबाज साहब की गिरफ्तारी तो आज अमल में नहीं आ सकी, लेकिन ये जो सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि ये आज होना या इन हालात में होना इस गिरफ्तारी का बहुत जरूरी था? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो केसेस हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उसमें किसी को कोई शक ही नहीं है कि वो 100% बिल्कुल दुरुस्त केसेस हैं। उसकी जो एविडेंस है, उसकी जो तमाम 92 के बाद से अब तक जिस तरीके से वेल्थ एक्युमुलेट हुई है जो उसके सामने है हमारे, वो बिल्कुल उसमें किसी को कोई शक ही नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि जो नैब ने, जिस तरह अभी आपने 3-4 केसेस पहले गिनवाए, यानी आशियाना है, कंपनीज का है, फिर साफ पानी का केस है, वो केसेस जो है उनमें भी एविडेंस जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। सवाल ये है कि ये केसेस हैं, ये कंक्लूड क्यों नहीं हो रहे? और जो इस वक्त जो इशू है, मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान में भी, चाहे नवाज शरीफ के केसेस हों, शहबाज शरीफ के केसेस हों या बाकी केसेस हों, जो नैब के ऊपर जो क्रिटिसिज्म, असल ये नहीं है कि गिरफ्तार करें या नहीं करेंगे, वो ये है कि जब आप केस ले तो उसको कंक्लूड होना चाहिए और फिर पैसे लोगों के जो है वो वापस आने चाहिए। अब ये जो शहबाज शरीफ आपके प्रोग्राम में तो कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता और ये वो कर दूंगा, लेकिन आज तो वो जो है वो वहां से फरार हो गए, हाथ में नहीं आए। लेकिन असल प्रॉब्लम यही है कि जो नैब, मेरे नजर में जो केसेस भी बने, जो केसेस भी उनके ऊपर आए, उन्हें कंक्लूड होना चाहिए ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। पहले नवाज शरीफ साहब के केस में जो असल झटका लगा है अकाउंटेबिलिटी को, वो यही है कि नवाज शरीफ जिस तरह से कानून को बेवकूफ बना के, निजाम को बेवकूफ बना के, जिस तरीके से वो मुल्क से फरार हो गए, जेल से फरार हो गए, उसके नतीजे में जो आम आदमी है उसको उसका जो एतमाद है वो बड़ा मजरूर है। और फवाद साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि कंक्लूड होना चाहिए, रिजल्ट सामने आना चाहिए ताकि लोगों का एतमाद निजाम इंसाफ के ऊपर जो है वो बहाल हो। नवाज शरीफ साहब वाले मामले पे भी मैं आती हूँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुसद्दिक साहब, आज जब नैब गई थी, पहली बात तो ये कि नैब में हाजिर होते रहे हैं शहबाज साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो पाकिस्तान वापस आए तो ये सोच के शायद आए थे कि उनको फिर नैब का सामना करना पड़ा, तो फिर उन्होंने क्यों आज नैब के सामने वो नहीं गए, क्या वजह बनी? देखिए, पहली बात तो ये है कि नैब जो है उसके अंदर आपको मालूम है कि 70 साल उनकी उम्र हो चुकी है और कैंसर वो सरवाइव कर चुके हैं, इस वक्त रिमिशन में है। अल्लाह उन पे रहम रखे और उनको सेहतियाब रखे ताकि वो हमारी लीडरशिप करते रहें। लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि वो बार बार ये नुक्ता उठा रहे थे कि वहाँ जाने पर, जाने से मेरी जान को खतरा है। दो नुकात उठा रहे थे, पहला नुक्ता ये था। और आज आपने देख लिया कि पिछले 4 दिन में कितने नैब के अराकीन जो हैं, जो वहां पे मौजूद होते हैं, जो तफ्तीश करते हैं, उनमें से कितने लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और एक कोमोर्बिड पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो कैंसर की वजह से, उनको बैक की तकलीफ भी हो और दीगर तकालीफ भी हो जिसमें डायबिटीज भी है, आप समझती हैं कि ये नहीं, मेरा ख्याल है कि आप किसी भी अगर मुआलिक से पूछेंगी या कोई ऐसा शख्स जिसकी महारत तिब में हो उससे पूछेंगी तो वो आपको यही बताएगा कि उनके लिए तो ये मौत का परवाना है। तो आप क्या उनको मारना चाहते हैं? जब वो कह रहे हैं नंबर एक कि मैं हाजिर हूं, मैं स्काइप के जरिए मैं ताबुन करने को तैयार हूं, पिछली मरतबा वो गए भी और उन्होंने तमाम जवाब जो है तफसील से लिख के भी दिए और खुद भी हाजिर हुए, और वो कह रहे हैं कि मैं स्काइप के जरिए भी इस केस के अंदर मैं हर तरह से ताबुन करने को तैयार हूं, तो फिर अगर आप उनको वहां पर बुलाना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो इन्फेक्ट हो जाएं? आपको मालूम है कि पहले ही हुकूमती पॉलिसी से इस वक्त मौत की शरह क्या है, इस वक्त इन्फेक्शन की शरह क्या है, आपको ये भी मालूम है। और खुद हुकूमत की जो वजीर हैं सेहत की, वो कह चुकी हैं कि लाहौर तो एपी सेंटर है, तो लाहौर के एपी सेंटर में एक ऐसे इदारे में जहां पे 6 से 8 लोग तशखीस जिनकी हो चुकी है कोरोना वायरस के साथ, आप चाह रहे हैं कि 70 साल के बुजुर्ग रहनुमा जो हैं वो वहां पर जाएं कैंसर के पेशेंट होने के बावजूद, दीगर अमराज होने के बावजूद? ये बात कुछ समझने से हम कासिर। दूसरा जो अहम नुकता है वो ये कि देखिए कि इन इस केस के अंदर पहले आप उनको कितनी देर रख चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप उनको नहीं रख सके, यानी मुझे नहीं मालूम 100 दिन थे, 150 दिन थे, कितने दिन थे, आपको गालिबन मौजूद होगा मालूम होगा, उनको जेल में रखा गया, उनको उनके साथ तफ्तीश की गई। ये कैसी तफ्तीश है जो खत्म होने को नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती।
आपने देखा भी मेरे भाई ने कहा कि किसी तरह से केसेस कंक्लूड होने चाहिए. सवाल ये उठता है कि कंक्लूड कैसे होने चाहिए जब आप केसेस ऐसे बनाएं जैसे आपने राणा सनाउल्ला पे बनाए हैं और फिर आप खुदा रसूल की कस्में खाएं टेलीविजन पे बैठ के कि हमने जान खुदा को देनी है और उसके बाद पता चले कि लाहौर की एंट्री के वीडियो फिर आप ऐसा कीजिए कि शायद खाकान अब्बासी साहब को देख लीजिए. शायद खाकान अब्बासी साहब को फांसी की चक्की के अंदर रखा गया. पहले 90 दिन उनको सॉलिटरी में रखा गया फिर फांसी की चक्की में रखा गया और जब उनकी अदालत के अंदर जमानत लगी तो अदालत ने कहा उसके अंदर जमानत की एप्लीकेशन का जो उन्होंने डिसीजन में लिखा कि आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका की सल्तनत को इन्फ्लुएंस करके यूएसएआईडी के जरिए एक कंसल्टेंट लगवाया था जिसने फायदा पहुंचा दिया. ये कह रहे हैं आप. फिर लेकिन इसको भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें. आप एहसन इकबाल साहब वाला केस देख लें तो एहसन इकबाल साहब की जब जमानत लगी तो हाई कोर्ट ने पूछा कि हाँ ये आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपने मुकदमा बनाया है तो आपने जरूर जिन्होंने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाने की इजाजत दी होगी उनको भी शामिल तफ्तीश भी किया होगा और अरेस्ट भी किया होगा. तो नैब ने कहा नहीं. तो जब उनसे पूछा गया कि क्यों भाई इनको क्यों पकड़ा फिर तो कहने लगे ये एक दफा इस जगह पे जमीन की निशानदेही करने गए थे. देखिए भाई ठीक है लेकिन जी ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं. अभी तो खुद फवाद साहब ने कहा रहा है तो काबीना में फवाद साहब अगर मैं गलत हूं मुझे सही कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये उन्होंने निजामे इंसाफ के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया है. कल भी उनकी स्टेटमेंट हमने देखी. तो अगर मुल्क का वजीर आजम जो है वो निजामे इंसाफ के ऊपर सवाल उठा रहा है तो नैब को हम कैसे कह सकते हैं कि वो हर काम सही कर रहा है इस वक्त और वो सियासी इंतकाम से जिसका इल्जाम उनके ऊपर अपोजिशन लगा रही है बालातर होके काम कर रहा है. देखिए दो आर्गुमेंट्स हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के जिसमें उन्होंने अपना सौदा बेचने की कोशिश की है. एक आर्गुमेंट उनका यह है कि चूंकि उनको कोरोना है लिहाजा उनके खिलाफ तफ्तीश जो है वो रुक जानी चाहिए और अभी तफ्तीश नहीं. मैंने ये नहीं कहा. नहीं मैंने ये नहीं कहा. चलिए जो आप नुकता है दूसरा नुकता है वो ये है कि नैब जो है वो पोलिटिसाइज्ड है और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है. अब पहली बात तो यह है कि नैब जो है और ये बात पहले भी मैं कह चुका हूं कि इसके चेयरमैन से लेकर चपरासी तक एक आदमी या पीएमएलएन का लगाया हुआ है या पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है. कानून जो बनाया है वो खुद पीएमएलएन ने बनाया है. इसको शुरू पीएमएलएन ने किया था फिर पीपल्स पार्टी ने भी इसको बरकरार रखा. तमाम स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों का बनाया हुआ है. अब सवाल ये है कि ये कहते हैं कि ये हमारे कहने के ऊपर काम कर रहा है. हम कह रहे हैं कि हमारा जो गिला है नायब से वो ये है कि ये कंक्लूड नहीं हो पा रहे केसेस. सो दोनों पार्टी को अपनी जगह के ऊपर नायब से जो है वो गिले भी हैं. लेकिन ये मैं बात जरूर कहूंगा कि जावेद इकबाल साहब ने जब से संभाला नायब का चेयरमैनशिप आई मस्ट से कि उन्होंने बड़े बड़े केसेस को पकड़ा है बड़े बड़े मुजरमों को पकड़ा है और उस पर वो उनको अप्रिसिएशन भी जो है ड्यू अप्रिसिएशन उनकी बनती है उनको देनी चाहिए. लेकिन ये अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि शबाज शरीफ साहब की इस वक्त गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? वक्त जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए और आपके बहुत सारे लोग ये कहते फिर रहे हैं कि वो जब वापस आए थे तो उन्होंने ये कहा था आने से पहले कि कौमी हुकूमत वगैरह की बात की थी तो वो तो नियत और लेके आए थे. ये आप बहुत से लोगों ने कहा. लेकिन आसमा आप मुझे बताइए उन्हें किस वक्त पकड़ना चाहिए. ये सवाल ये तो अजीब बात है ना. जब भी केस होगा जब तफ्तीश होगी जब जरूरत होगी तभी गिरफ्तार करेंगे ना. सो बात ये है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है. ये जो आर्गुमेंट है ना हमारा के अमीर लोगों के लिए तो हमें अलहदा निजाम रखना चाहिए और गरीब लोगों के लिए हमारा निजाम कोई चल रहा है वहां पे जैसा भी चल. जो पावर्स फ्रेंकली पुलिस के पास है ना जी नैब के पास उनका अशर शीर भी नहीं है. जो पुलिस साहब मैं खैर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ फवाद साहब. जी 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 प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारे जो सारे जो लोग जब इक्तदार में होते हैं एक प्रॉब्लम यह है कि हम निजाम इंसाफ को उस तरह से तो ठीक करते नहीं है और बाद में खुद उसके बनते हैं फिर हमें सारी बातें याद आ जाती है. अभी भी
पीएमएलएन को एक नहीं दो नहीं छह महीने से कह रहे हैं आपको लॉ नहीं पसंद है, आप बताइए इसमें क्या अमेंडमेंट्स करनी है, क्या आप चाहते हैं, आते हैं तनकीद करते हैं। कभी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आपके सामने ये नहीं आएंगे कि ये हमारा मुसौदा है, ये हम तब्दीली चाहते हैं, इसके ऊपर बैठ के आपको बात करनी चाहिए, कभी भी ये बात नहीं करेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है मुसद्दिक साहब, और आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नैब से इतनी शिकायत है तो उस नैब के अमेंडमेंट के लिए आप लोगों की तजावीज अभी तक नहीं पहुंची, हमारी इत्तला है कि पीपल्स पार्टी ने पहुंचा दी। देखिए पहले तो मेरे भाई ने पूछा कि वो क्या वक्त है सही गिरफ्तार करने का, तो मैं आपसे सवाल पूछा था, मुझसे तो पूछा नहीं था, मैं भी आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि एक केस में कितनी मरतबा गिरफ्तार करेंगे, जब आप हम के हवाले से जी 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 जब हम आवाज उठाएंगे तो आप तभी तभी हमें गिरफ्तार करेंगे, यानी जिस वक्त आपके कोरोना के मरने वाले लोगों की तादाद 80 हो जाएगी आप हमें गिरफ्तार कर लेंगे, जिस वक्त बजट आएगा आप हमें गिरफ्तार कर लेंगे, जिस वक्त आपने तेल की कीमत बढ़ानी होगी बिजली की कीमत बढ़ानी होगी आप हमें गिरफ्तार कर लेंगे, जब हम कहेंगे कि भाई इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है आप हमें गिरफ्तार कर लेंगे। आप ऐसा कीजिए कि आप एक तहकीकी अपनी टीम लगा दें और आप ये देखें जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इनके दो या तीन दिन के बाद क्या हुआ है, देखिए जरा तहकीक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 18वीं तरमीम का मुकदमा मेरे भाई लेकर आते हैं बार बार और हम कहते हैं 18वीं तरमीम, भाई कौन सा मुसवदा है, हमसे मुसवदे का पूछ रहे हैं, ये टीवी पे आके 18वीं तरमीम की बात करते हैं ताकि कोरोना पे बात ना हो, भाई 18वीं तरमीम पे कोई बात करनी तो वो मुसवदा पेश करें, वो कहां है मुसवदा जिसपे आप बात करना चाहते हैं, आप हमसे मुसवदा मांग रहे हैं। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि मैंने खुद वो मुसवदा अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको भेज दूंगा, ये मुसवदे के अंदर तकरीबन कोई अच्छा। तीन महीने दो महीने काविशें हुई हैं और वो तमाम इनपुट्स जो हैं वो भेजी गई हैं पीपल्स पार्टी मौजूद है। अच्छा ये पहली दफा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आपकी तरफ से आ रहा है, मतलब जी आप कैटेगोरिकल आप ऐसा कीजिए शायद फरकान अब्बासी साहब को लाइन पे ले लें वो आपको भी बता देंगे नहीं बाकायदा। और हमारा जो लास्ट मेरी उनसे बात हुई थी उस पे जब मेरी लास्ट उनसे हमारा इंटरव्यू हुआ था उस तक अब तक उस वक्त तक कोई अपडेट्स नहीं थी, लेकिन अभी आ गई है। बाकायदा मैं आपको कह रहा हूँ कि हम थ्रू आउट अपनी इनपुट्स दे रहे हैं, मगर जो इनपुट्स मेरे भाई को चाहिए वो तो हम नहीं दे सकते। मेरे भाई को तो इनपुट्स ये चाहिए कि नैब का एक सेक्शन बनाएं जिसमें लिखा हो कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन को पकड़ेगी। फवाद साहब आप ये मुसद्दिक साहब कह रहे हैं सर आपकी बात और इनके एक मिनट ठहरिए जो इनके सरमायादार दोस्त हैं जिनके नाम हर रिपोर्ट में आ रहे हैं उनको नहीं पकड़ेगी लेकिन ऑपोजिशन को पकड़ेगी, ऐसा कानून तो हम नहीं पास करने देंगे ना। वैसे तो मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि नैब को तहलील कर देना चाहिए, यानी एक इदारा जो इस हद तक विक्टिमाइजेशन कर रहा हो जिस तरह सामने आ चुका है उसके जो दूसरे आ रहे हैं जिनका ये अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मैं आपको ये जो मुसद्दिक साहब आपका योर पॉइंट इज वेल टेकन, ये मैं फवाद साहब के सामने रख रही हूँ। फवाद साहब वो ये कह रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेट्स को भी आप मुबर्रा कर देते हैं, आप ताजरों को भी कर देते हैं, आप बिजनेसमैनों को मतलब जितने भी पावरफुल लोग हैं उनको कर देते हैं, लेकिन सियासतदानों को आप इस्तेमाल करते हैं और मुसवदा मौजूद है इस वक्त जिसके ऊपर बात होनी चाहिए नहीं हो रही। अच्छा पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी आमतौर पर इस तरह की बेवक्त गुफ्तगू नहीं करते हैं, जैसा कि उन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने माफी चाहता हूं भाई, जब तेल की कीमत बढ़ाना होती है तब गिरफ्तार कर लेते हैं, तेल की कीमत तो कम की है और इस वक्त डॉक्टर साहब से ज्यादा बेहतर कौन जानता है, डेढ़ साल लड़ाते रहे हर दफा पहले आप लोगों को अरेस्ट करते रहे हैं बिजली तेल की कीमत बढ़ाने से पहले। चलिए जरा मैं बात मुकम्मल कर, अब इस वक्त तो पूरे जो जनूबी एशिया है उसमें तमाम ममालिक से अगर कम कीमत किसी की तेल में है वो पाकिस्तान में है और कोई पाकिस्तान में ये कह रहा है ना कि कोई अदम इस्तेकाम है सियासी, कुछ भी अदम इस्तेकाम नहीं है, इसलिए कि पीएमएलएन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस वक्त पॉलिटिकल चैलेंज अपोजिशन की तरफ से तो गवर्नमेंट को है ही नहीं, लिहाजा हुकूमत का कोई दिलचस्पी ये नहीं है कि इसको इसलिए अरेस्ट किया जाए कि कोई हमारे लिए खतरा है। ठीक अच्छा मैं फवाद साहब ब्रेक लेनी है, मुसद्दिक साहब ब्रेक के बाद आज इसमें काबीना के इजलास में फवाद साहब सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रेक लेनी है और आपको बेहतर पता है ब्रेक की कितनी अहमियत है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, काबीना में भी आज बात हुई खास करके नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर वायरल हुई है उसके ऊपर भी बड़ी सैर हासिल बात हुई है, क्या हुई है फवाद साहब से पूछेंगे और मलिक साहब से भी, एक छोटी सी ब्रेक वापस आते हैं हमारे साथ रहेगा। वेल
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے دو معزز مہمان جناب مصدق ملک صاحب اور فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ فواد صاحب، ایک تو پہلے یہ نیب والا تو آپ نے کہا کہ یہ مصدق صاحب نے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، دوسری طرف آج کابینہ کے اجلاس میں بات ہوئی، آپ کے سٹیٹمنٹس بھی ہم دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے معاملے کے اوپر بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر تو پر اگر دیکھا جائے تو احتساب تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر سب کچھ مینیپولیٹڈ اگر آپ کے بیانات کو سامنے رکھا جائے تو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا، ایک تو میں پہلے جو وقفے سے پہلے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے مسودہ جو ہے وہ حوالے کر دیا ہے، کس کے حوالے کر دیا ہمیں نہیں پتا، لیکن پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو انہیں آپ کے حوالے کرنا چاہیے، اور آپ میڈیا، یہ کوئی خفیہ دستاویز تھوڑی ہے جو کہ آپ نے ہمارے حوالے کر دینا ہے، آپ اپنی تجاویز جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں جو وہ بہتر ہوتا ہے وہ میڈیا پہ دے دیں، تاکہ اس پہ ڈسکشن ہو جائے کہ ہم نیب کو کس طرح سے ایک ایسا ادارہ بنا سکتے ہیں جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور دیکھیں ایک نظام تو ہونا چاہیے نا، اگر ایمرجنسی کی دے دیں۔ جی جی مجھے سمجھ نہیں، جی مصدق صاحب آپ نے کہا 18ویں ترمیم اور ایمرجنسی کی آج میڈیا پہ دے دیں نا تاکہ ہم ڈیبیٹ کریں۔ آپ بھی تو روز کہتے ہیں کالا قانون اور کوئی تجویز سامنے نہیں آتی، کچھ پتا نہیں چلتا کیا بات کر رہے ہیں، روز بس ایک ڈسکشن ہو جاتی ہے، ٹی وی پروگرامز ہو جاتے ہیں، آپ بھی بات کریں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم، آپ بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں نا، پھر یہ موضوع آپ نے بدل دیا نا، آپ نے نام نہیں لیا، معافی چاہتا ہوں، نہیں نہیں ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس موضوع، اسی پہ رہتے ہیں جو موضوع جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اسی پہ رہتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے اوپر ہم ایک سے زیادہ بار یہ بات کر چکے ہیں کہ کہیں پر کوئی تجویز ہی نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کی، تو مسودہ کہاں سے لائے؟ یہ تو ایک میڈیا نے خبر دی، میڈیا پہ خبر جنریٹ ہوتی ہے، جو پرابلمز ہیں کوارڈینیشن کے وہ سب سے پہلے تو شاہد خان عباسی صاحب نے اور مفتاح اسماعیل نے اٹھائے تھے کہ این ایف سی ایوارڈ میں یہ پرابلمز ہیں، وفاق چل نہیں پاتا، اور این ایف سی ایوارڈ کے اوپر گفتگو ہے وہ اب شروع ہوگی جہاں پہ این ایف سی ایوارڈ کاؤنسل اس پہ کسی اور وقت گفتگو رکھیں گے، بالکل یہ بڑا کمپریہنسو سبجیکٹ ہے، اس پہ بڑا الگ کریں گے، مگر ابھی جو نیب کے حوالے سے ہے اور پھر جو نواز شریف صاحب والا مینیپولیشن کہاں پہ ہوئی ہے، فواد صاحب آپ کے جو اور آپ کے جو بیانات ہیں ان کو لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں، سارا دن ٹی وی کی ہیڈ لائن ہوتی ہے، اس لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا شبہ پہلے دن سے ہے، فروری کے آپ کے ٹویٹس بھی نکالے ہیں اور آج کے بھی تو ایک جیسے ہیں، کہاں ہوئی ان کی مینیپولیشن ان کی رپورٹس کے اندر؟ دیکھیں مینیپولیشن تو پاکستان میں جو لوگ بھی کرمنل لا پریکٹس کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کتنا آسان ہے میڈیکل کو اور ان کو منوور کرنا، اور یہ بڑی آسانی سے یہاں پہ منوور ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی کیا ہوا ہے، اب دیکھیں آج پنجاب حکومت نے ایک اور نیا انکشاف یہ کیا ہے، جو ان کے انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ تو نواز شریف صاحب نے خود کرائے تھے، اور ان ٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر ڈاکٹرز نے ایک اپینین بنائی۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو میڈیکل ان کی جو لیبورٹریز ہیں برطانیہ کی، وہ ریکارڈ حکومت کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یا تو برطانیہ کی رپورٹ صحیح نہیں ہے یا پاکستان کی رپورٹ صحیح نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ تو غلط ہے اور منوور کی گئی ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے اور ایک ہائی لیول بورڈ ہونا چاہیے جو دیکھے کہ نواز شریف اس وقت حکومت، فواد صاحب اگر ان کی بات کو ہم تسلیم کر لیں تو پنجاب حکومت، یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹرز ان کے، ڈاکٹر فیصل سلطان، پرائم منسٹر کا ایس او ٹی، ہم نے ان کی بھی بات سنی، تو یہ سب لوگ جو تھے یہ کن ان رپورٹس کے اوپر بات کر رہے تھے جو کہ نواز شریف صاحب کی اپنی تھی جبکہ وہ جیل کے اندر تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، آج جو انہوں نے انفارمیشن منسٹر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ جو رپورٹس دی جو ان کو سبمٹ کی گئی تھیں وہ ٹیسٹ انہوں نے خود کرائے تھے، وہ کس لیبورٹری سے کرائے تھے، اس کی سیمپلز لینے کا طریقہ کیا تھا، کن لوگوں نے اس کا سیمپل لیا، کیا سیمپل لیبورٹری پہ جانے سے پہلے تبدیل ہو گیا تھا اور لیبورٹری کا جو نتیجہ ہے وہ صحیح تھا۔ یہ دیکھیں نا، سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹ اگر صحیح ہے تو پھر برطانوی جو لیبورٹری ہے وہاں کی رپورٹس کیوں نہیں شیئر ہو رہی؟ اچھا مصدق صاحب، اب آپ بالکل، اب آپ نے سنا فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو نواز شریف صاحب کو اتنی اجازت تو دی گئی تھی نا کہ ان کی لیبورٹریز جو ہے وہ خود چیک کروا کے رپورٹس پیش کریں، آپ کا کیا اس کے اوپر موقف ہے؟
देखिए, अगर तो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो इनको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इनको यास्मीन राशिद साहिबा को अभी बर्खास्त कर देना चाहिए, बल्कि अरेस्ट कर लेना चाहिए। और जो उस वक्त के तमाम सेक्रेटरी थे, जो इन्होंने 5 लोगों का बोर्ड बनाया था, देखे ना, एक बंदा जेल में है, आपने एक बोर्ड बनाया, हुकूमत ने पहले 4 बोर्ड बनाए मगर उनको छोड़ देते हैं, आखिरी बोर्ड की बात करते हैं। आपने एक हुकूमत ने बोर्ड बनाया, आपने शमसी साहब को, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब को बुलाया कराची से, उसके बाद आपने जो फैसल सुल्तान साहब हैं डॉक्टर, उनको बुलाया आपने, आपने बाकायदा बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन की। आज आप एक जेल में जो शख्स कैद है ये कह रहे हैं कि असल में हमने ये टेस्ट करवाए नहीं, ये तो टेस्ट उन्होंने करवाए। यानी क्या अजीब बात है, आप अगर हुकूमत इस तरह रन करते हैं कि एक जेल के अंदर बंदे को आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट अपने खुद करवाए थे, तो हम आपको कैसे न्यूक्लियर एसेट्स के साथ ट्रस्ट करें? कल को अगर खुदा ना खास्ता, क्या हमारी तो रोज जंग होती है, लड़ाई होती है, बॉर्डर फाइट्स होती हैं भारत के साथ, तो आप तो कल कह देंगे कि हमें इंफॉर्मेशन ही गलत मिली थी। आपका क्या है? आप तो बोलेंगे कि वो तो हमें तो किसी ने फोन करके, किसी ने जाली फोन कर दिया प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने हुक्म दे दिया। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? पूरी हुकूमत की मशीनरी लगी हुई थी, ये वैलिड पॉइंट है कि गवर्नमेंट का पंजाब उस वक्त, जी जी गवर्नमेंट, आप कहीं, आपका इशारा कहीं किसी तीसरी कुवत की तरफ तो नहीं है फवाद साहब? देखिए, पहली बात तो ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, इसलिए कि ये डॉक्टर साहब ने कमाल ही किया कि नवाज शरीफ के टेस्ट को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मिला दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि दो बंदे बोलते हैं ना, वो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। मैं तो लड़ाई का मजा नहीं आता स्काइप पे, इसलिए तो हम वर्चुअल सेशन नहीं करना चाहिए, वहां लड़ाई नहीं होती, मजे वो कागज एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंक सकते, इसलिए हम वर्चुअल सेशन के भी खिलाफ है। अच्छा, इसमें ये जो प्रॉब्लम के डॉक्टर साहब की एग्जेजरेशन की, तो आज मतलब इंतहा पे है ना डॉक्टर साहब। आज उन्होंने कहा नवाज शरीफ के टेस्ट और न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बराबर है। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान में कोई एक पहली बार कोई अनहोना वाकया नहीं हुआ। इससे पहले आसिफ जरदारी साहब ने अपने टेस्ट भिजवा दिए कि उनका दिमागी तवाजुन खराब है और वो दिमागी तौर के ऊपर इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो तफ्तीश जो है उसमें हिस्सा ले सके। उसके बाद फिर जब उन्होंने प्रेसिडेंट बनना था, वो सारे विड्रॉ हुए, वो सारा कुछ हुआ। और इसके अलावा भी यहाँ पे रोजाना जो मगर फवाद साहब, यहाँ तो सूरत हाल ये थी, सर इजाजत दे, यहाँ तो सूरत हाल ये थी कि पंजाब हुकूमत खुद टेक केयर कर रही थी हर चीज की। यास्मीन राशिद साहिबा के एक से कई बयान उस पे रिकॉर्ड पे हैं, डॉक्टर्स के मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान से मशवरा प्राइम मिनिस्टर ने किया, रिपोर्ट्स। तो मैनिपुलेशन, मैं ये जानना चाह रही हूँ जेल से कैसे हो सकती है? आप पॉइंट इग्नोर कर रही है ना, डॉक्टर्स को तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप डॉक्टर है, आपको मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आके कि जी देखिए मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बड़ा हाई है, प्लेटलेट्स जो है वो मेरे बड़े डाउन है, ब्लड जो है वो मेरा बड़ा थिन हो रहा है, ये मेरे ब्लड रिपोर्ट्स हैं, ये मेरी एलएफटी रिपोर्ट्स हैं। आप क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे? आप करेंगे कंक्लूड के ये तो बनना बड़ा सीरियस है और हार्ट। अब आप ये चाहे आप डॉक्टर फैसल सुल्तान हो या हमारी यास्मीन राशिद हो या दुनिया का कोई आप बड़ा डॉक्टर ले ले उसको दिखा दे, वो यही कंक्लूड करेगा। अब सवाल ये है कि वो जो रिपोर्ट्स जिनके ऊपर रिलाय करके इन्होंने ये ओपिनियन बनाई, वो रिपोर्ट्स कैसे बनी? उन रिपोर्ट्स की वो इशू है कि वो कहां पे मैनिपुलेट हुई, किसने मैनिपुलेट की, कैसे जो है उसके सैंपल्स जो है उनको क्या किया गया, वो रिपोर्ट्स का असल प्रॉब्लम है कि इन लैबोरेटरीज में कैसे जनरेट। मैं ब्रेक ले लूं, मुसद्दिक साहब ने उसको ये बात कहना है। मैं ब्रेक के बाद, मुसद्दिक साहब ब्रेक के बाद आ जाऊं अगर आप कहें, या आप एक मिनट में अगर कर लें तो फिर मैं ब्रेक पे चलूं। कोई बात नहीं, बात चलो, मैं ब्रेक के बाद आपके साथ यहीं से शुरू करती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है उसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और पहले हम बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर हुकूमत के अंदर अदम इत्मीनान क्यों है। आज वजीर आजम ने भी कहा कि इनको शर्म नहीं आती, जब उनसे तस्वीर के मामले के ऊपर बात की उनका इशारा पीएमएलएन की तरफ था। तो मुसद्दिक साहब, आप को जवाब देना चाह रहे थे ब्रेक से पहले जब फवाद साहब ने ये बात की कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, उसको वाइंड अप करते फिर आगे अगर गिरफ्तारी होती है शहबाज साहब की तो क्या होगा उस पर बात करेंगे। जी
देखिए आप, मैं आपकी बात से ही बात जोड़ लेता हूँ। मेरे ख्याल में उन्होंने पंजाब हुकूमत को खाया, इनको शर्म नहीं आती। और दूसरी जो मुझे हैरत होती है कि वजीर आजम जिन्होंने काबीना को गारंटी दी, यानी अगर वजीर आजम पूरे मुल्क का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के सिर्फ ये नहीं पता करवा सकते कि एक शख्स बीमार है या नहीं, और आखिर में कहते हैं कि लैब्स का पता करो, देखो चूहे ना खा गए हो, पता करो कोई नीचे, यानी ये किस तरह की गुफ्तगू है। काबीना में बैठ के आपने काबीना को गारंटी वजीर आजम ने दी कि मैंने हर तरह से तसल्ली कर ली है, ये बहुत बीमार है, इनका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आज वो जब कहते हैं कि शर्म नहीं आती, तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि किसको कह रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को तो नहीं कह रहे, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो नहीं ये फैसला किया था, ये तो काबीना का फैसला था और ये पंजाब हुकूमत की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बिहाफ पे किया गया था। मुझे लगता है कि वो पंजाब मशीनरी की पंजाब हुकूमत और मेरा भाई कहता है, देखें मेरा भाई तो कहता है, कुछ कह रहे हैं, मैं तो चूंकि आज मैं भी स्काइप पे हूं तो मुझे दो दो आवाजें नहीं आ रही। मुसद्दिक साहब, फवाद साहब भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर मैंने फवाद साहब की बात उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूरी है। जी जी, मैं वैसे डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ कि कभी शर्मिंदा भी हो जाए, करे इतने जबरदस्त तरीके से। सीरियसली मैं सोचता रहा हूँ किसको शर्मिंदा होना चाहिए, मतलब किसने इजाजत दी, पहले आपने अदालतों पे डाला, आज आप लैब्स पे डाल रहे हैं, आखिर में आप चूहों पे डाल देंगे, ये बात किधर जाके रुकेगी, आप किसी दिन तो कहें। अच्छा मुझे अभी नवाज, मैं क्विकली आपसे पूछ लूं, फिर फवाद साहब के पास जाती हूँ। नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी इत्तलात है, शहबाज शरीफ साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या मरियम नवाज मुतहरिक होंगी या नवाज शरीफ साहब वापस होंगे, पीएमएलएन की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए पीएमएलएन जो है उसका तो जो टॉप कार्डर है दैट इज इन प्लेस, और आपने देखा है कि हर एक को बारी बारी अरेस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले शायद अब्बासी साहब को अरेस्ट किया, 5-6-8 महीने जेल में रखा, उनको फांसी की चक्की में रखा, एहसन इकबाल को पकड़ा, हमारे राणा साहब को पकड़ा, साद और सलमान साहब को 1.5 साल जेल में रखा है, तो कौन सा लीडर है जिसको नहीं पकड़ा? तो शहबाज साहब को पहले भी ये जेल में रख चुके हैं 6-7 महीने, फिर अपना पूरा कर लें, वो पंजाबी में कहते हैं चाह पूरा कर लो, तो मतलब कि इस तरह तो नहीं हुकूमत चल सकती। देखें आप ठीक है बजट के वक्त आप पकड़ लेंगे तो डिबेट बजट की जो है वो इधर उधर हो जाएगी, यानी आप जिस तरह का बजट लाएंगे उसके अंदर IMF का क्या शेडो होगा। अच्छा फवाद साहब, अब आपको क्या लगता है कि अगर अपोजिशन की गिरफ्तारियां होती है तो अपोजिशन इस वक्त, अगर जाहिर है कि बजट भी आना है बाकी चीजें भी, हुकूमत अफोर्ड कर सकती है कि शोर मचे, या जिसकी उम्मीद आपको है किसी तरह के शोर की, एहतजाज की? वो कहते हैं ना, तीर चलेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये तो पीएमएलएन की फ्रेंकली खुशकिस्मती है कि अभी तक ये एक पार्टी के तौर पे इंटैक्ट है, फ्रेंकली उस तरह की पॉलिटिक्स पीटीआई ने नहीं की, और उस तरह के शायद जो पॉलिटिकल उनका उस तरह का बंदे जो है वो भी उस तरह से नहीं है। अदरवाइज तो पीएमएलएन को 1.5 हफ्ता लगा था, 2/3 मेजोरिटी थी 93 में, और सारे की सारी जो है वो दूसरी तरफ चली गई। ये 2-3 हफ्ते की पार्टी है वैसे मेरिट के ऊपर, वो तो बस ये तो हमारी की, ये तो इमरान खान और मेरे भाई की नेक नियति है जो हम अभी तक कायम। प्राइम मिनिस्टर का उस तरह का वो नहीं है, वो उस तरह से उसका मांगा टाइम असर नहीं करते। अगर उसको तगड़े आर्टिकल यार, अगर वो तगड़े पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, तो आपने ढूंढना ही था कि लोग गए किधर है, बट एनीवेज वो एक रहता स्टोरी है। फिलहाल तो देखिए आसमान कोई नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को। नहीं नहीं बड़ी वैसे आप इसको, इनको जितना मर्जी आप तगड़ा कर ले, मुझे पता है बड़ा लोगों ने जोर लगाया है कि किसी तरीके से तो तगड़े हो, टीके ताकत के टीके नैरो बयान से सारे लगाए हैं, ये नहीं तगड़े उन्होंने ना ही खड़ा हुआ है। ठीक, तो कोई किसी किस्म की आपको उम्मीद नहीं है कि अपोजिशन जो है वो एहतजाज करेगी और भी गिरफ्तारियां होंगी? कुछ लोग कहते हैं हुकूमत की तरफ से भी गिरफ्तारियां होंगी।